वेलकम टू यूनिक इलेक्ट्रिकल। हम लोग इलेक्ट्रिक रिएक्शन का बात कर रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक रिएक्शन। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक रिएक्शन को दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया, ये हम पहला वीडियो और सेकेंड वीडियो में बताए हैं। पहला बात आता है कि सेंट्रल पावर स्टेशन या सब स्टेशन, और दूसरा आता है सेल्फ कंटेंट। सेंट्रल पावर स्टेशन या सब स्टेशन में क्या होता है, जैसे कि दो ट्रैक है और ट्रैक्स यहाँ पर जो मेरा वायर्स यहाँ पेंटोग्राफ्स क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जो लाइन आता है या कहीं से हम क्या करते हैं, या कहीं सेंट्रल पावर या फिर सब स्टेशन से इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लाइन को क्या करते हैं, करंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और सेल्फ कंटेंट में बात करें तो सेल्फ कंटेंट में हम लोग बात कर रहे थे, तो सेल्फ कंटेंट में बात भी किए थे, जो सेल्फ कंटेंट होता है वो अपने साथ ईंधन को, मतलब जो भी होता है उसका जो सोर्स होता है जिसके अनुसार से मेरा ट्रैक्शन हो सके, ट्रैक्शन मतलब जो चक्का का मूवमेंट होता है वो हो सके, वो अपने साथ क्या करता है, लेके चलता है, कि मतलब कि हाँ मतलब अपने साथ बनाए रखता है कि हाँ इसी के द्वारा अपना हमेशा लेक चलता है। लेकिन इसमें होता है कि लेक नहीं चलता है। अब इसमें से सप्लाई अगर हम ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा ट्रेन क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन पहले बात आता है कि दोनों के बीच अंतर क्या है, तो सेल्फ कंटेंट जो है वो कोई भी रूट में क्या कर सकता है, चलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी रूट के लिए टायर नहीं है। टायर नहीं करने का मतलब क्या है कि इसमें अगर करंट कोई भी रूट में नहीं जा रहा है तो वहाँ भी ये चल सकता है, लेकिन इसके लिए हमको सप्लाई का नीड है, इसलिए बात होता है। लेकिन अगर हम बात के दोनों का सेंट्रल पावर स्टेशन, तो सेंट्रल पावर स्टेशन दो चीज़ चलेगा, एक मेरा डीसी चलेगा और एक मेरा एसी चलेगा। डीसी चलने में बात किया जाए तो ट्रॉली बस हो गया, ट्रामवे हो गया, रेलवे हो गया, और एसी हो गया तो रेलवे मेरा एसी चलता है। रेलवे डीसी पहले चलता था, धीरे धीरे अभी मॉडिफिकेशन हो गया, एसी आ गया। अगर हम सेल्फ कंटेन में बात करें तो मेरा डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रक्स है, और बैटरी ड्राइवर रोड व्हीकल, ये सब को बात आ जाता है। लेकिन मोस्ट जो डिस्कशन करने वाला चीज़ है, हम इसका डिस्कशन करेंगे, और इसमें हम डिस्कशन करेंगे ट्रॉली बसेस का, ट्राम वेब का, और इसका फिर तीन चीज़ का मेनली डिस्कशन होगा, ट्रॉली बस, ट्राम वे, और डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन का। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाला है वो ट्रामवे का डिस्कशन करने वाला। सबसे पहला बात, जो ट्रामवे होता है, ट्रामवे का किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका फिगर होता है ट्रामवे का, तो हम उसका वो हम आपको दिखा सकते हैं, किस प्रकार का होता है दिखाते हैं ट्रामवे। देखिए ये जो दिख रहा है यही मेरा ट्रामवे है, ये जो थंबल में यूट्यूब मेरा जो वीडियो का थंबल दिख रहा होगा, यही जो है मेरा ट्रामवे है, यही फिगर मेरा ट्रामवे कहलाता है। अब बात आता है ट्रामवे का। ट्रामवे जो होता है वो 600 वोल्ट डीसी सप्लाई पे चलता है, और ट्रामवे के लिए जो मेरा, जैसे कि हम ट्रेन में बात करते हैं, ये मेरा ट्रामवे का पटरी है, और यहाँ से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं इसके ऊपर से, तो इसमें एक ही ओवर कंडक्टर रहेगा, ओवर कंडक्टर एक ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें रिटर्न पाथ के लिए, इसमें ये जो ये पटरी है इससे मेरा रिटर्न पाथ जाता है, किसमें, ट्रामवे में। ये बात दिमाग में रखना है कि एक इसमें ओवर कंडक्टर रहता है और रिटर्न पाथ के लिए मेरा ट्रैक है, ये ट्रैक से मेरा क्या होता है, रिटर्न पाथ होता है। इसमें जो होता है, इस ट्रामवे में जो होता है वो मेरे, इसमें क्या होता है कि टू गो मेरा क्या रहता है, ड्राइवर एक्सेल रहता है। ड्राइवर एक्सेल मतलब क्या हुआ, ड्राइविंग करने के लिए जो मेरे पास एक्सेल रहता है, ड्राइविंग में समझ नहीं, उसको मूवमेंट करने के लिए जो भी मेरे पास एक्सेल रहता है वो दो रहता है। दो से क्या हो गया कि उसमें जो जितना उसका एडहेशन रहता है, जैसे कि एडहेशन का हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हम बात करते हैं स्टीम का एडहेशन कितना होता है, ये सब का हम डाटा भी लिखाए थे, डीजल का, ये सब का एडिशन कितना होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब हम टू ड्राइविंग एक्सिल रहता है तो इसका, जैसे कि सपोज करते हैं कि टू ड्राइविंग एक्सिल करने मतलब है कि इधर अगर दो ड्राइविंग एक्सिल है, सपोज कर लेते हैं, ये ऐसा है नहीं, मान के चलते हैं इसको, ये मेरा हो गया। तो टू ड्राइविंग एक्सिल, जब दो ड्राइविंग एक्सिल रहता है, ये मेरा एक एक्सिल हो गया, जब दो एक्सिल रहता है तो इसको कोई भी इंड से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यही मेरा ट्रामवे का यहाँ पर आता है कि इसको दो कोई भी इंड से क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहता है कि अगर पहले तो दो ड्राइविंग एक्सेल का बात किया, यही मेरा एक्सेल कहलाता है, अगर हम दो से ज़्यादा ड्राइविंग एक्सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटर को लगाते हैं। किसका लगाते हैं, मोटर का लगाएंगे, और मोटर जो रहेगा वो मेरा सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में रहेगा। देखिए तो आगे मेरा पॉइंट ये बात को लिखा होगा कि द यूज ऑफ टू और मोर ड्राइविंग एक्सेल लेट इट सेल्फ द यूज ऑफ टू मोटर विथ सीरीज पैरेलल कंट्रोल। सीरीज पैरेलल कंट्रोल के लिए मेरा दो ड्राइवर एक्सेल है। अब देखिए एक मेरा फील्ड बिकनिंग मेथड है। अब फील्ड बिकनिंग मेथड से कैसे हम स्पीड में कंट्रोल करते हैं, बात तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जैसे कि मेरे पास रहता था ई बी इक्वल टू एन पी जेड फाई बटा 60 ए, तो इसमें क्या, अगर हम फ्लक्स को घटाएंगे तो मेरा स्पीड क्या करता था, बढ़ता था। तो उसी प्रकार अगर हम फ्लक्स को बिकनिंग करते हैं, कि फ्लक्स को घटाएंगे तो मेरे पास स्पीड में क्या करेगा, स्पीड में मेरे पास क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अगर हम इसमें कंट्रोल करने का, अगर इसमें व्हीकल को कंट्रोल करने का बात किया जाए,
व्हीकल को अगर कंट्रोल करने की बात किया जाए तो इसमें टू ड्रम कंट्रोलर रहता है, और ये जो दो ड्रम कंट्रोलर रहता है तो ये ड्रम कंट्रोलर ड्रम का देख रहे नेचर जैसा ऐसा करके रहता है, ये कंट्रोलर थोड़ा सा रहता है ऐसे करके ड्रम कंट्रोलर टाइप का रहता है। तो ये दो का ड्रम कंट्रोलर रहता है वो हमेशा रहेगा पेलर में कनेक्ट रहता है, ये दोनों जो रहता है ये हमेशा पेलर में कनेक्टेड रहता है और हमेशा एक दूसरे से क्या रहता है, ड्रम शेप का नहीं है, ड्रम कंट्रोलर टाइप हम इसको बता रहे हैं, और ये दोनों हमेशा पेलर में कनेक्टेड रहेगा और इसका जो अरेंजमेंट रहता है वो हमेशा दोनों के बीच इंटरलॉकिंग क्या रहता है, अच्छा रहता है। इंटरलॉकिंग अच्छा से करने का मतलब क्या हुआ कि इसको एक बार में मतलब कि फर्स्ट टाइम में इसको एक इंच को क्या कर सकते हैं हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर अगला बार में फिर दूसरा इंच कर सकते हैं, इस अनुसार से इसको पेलर में और इसका अरेंजमेंट क्या किया गया है। अगर हम बात देखें कि अगर हमको कंट्रोलर को क्या करना है कि अगर हमको पूरा मशीन को क्या करना है, हमको आउटपुट को इंक्रीज करा देना है, तब उसके लिए मास्टर कंट्रोलर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ता है। मास्टर कंट्रोलर इक्विपमेंट जो होता है, अभी जो मेरा ट्रैक्शन चल रहा है, अभी जो मेरा रेलवे चल रहा है उसका, उसमें मेरा मास्टर कंट्रोलर इक्विपमेंट ही क्या होता है अभी जनरली मेरा यूज हो रहा है कंट्रोल करने के लिए। अगले आगे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए इसमें आगे अगला अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि नाउ डेज द ट्रॉली बस और इंटरनल कंबसन इंजन ऑब्निमेस इज प्रीफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर मोनोबिलिटी। आप देखिए मैनोबिलिटी मतलब करने मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गतिशीलता, मतलब कि जो अभी आजकल जो है ट्रॉली बस और ये सब जो होता है ये सबको स्पीड के मतलब कि ज़्यादा स्पीड करना हो, ज़्यादा गति प्रदान करना हो, इसके लिए अभी थोड़ा सा कि इसमें क्या हो रहा है ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्राम कार के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिस प्रकार से मेरा रेलवे में होता है उसी प्रकार से मेरा ट्राम कार में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसका आउटपुट जो होना चाहिए 45 या फिर 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी के लिए मेरा जिस प्रकार रेलवे में होगा उसी प्रकार मेरा इसमें भी इम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व होता है। अगर हम ट्रम कार के लाइफ की बात करें तो लाइफ ऑफ ट्रम कार इक्विपमेंट इज मच मोर देन दैट ऑफ इंटरनल कम्बसन इंजन। इंटरनल कम्बसन इंजन जो हम बताए थे कि अपना इंटरनल के द्वारा मैंने इंटरनल दहन होता है उसके कारण जो होता है, उससे ज़्यादा होता है मेरा किसका थी का मतलब ट्रम कार का मतलब ज़्यादा उसका जो लाइफ रहता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है जनरली इसमें नहीं होता है, इसमें जनरली रियो स्टेट और मैकेनिकली ब्रेकिंग होता है, लेकिन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहीं कहीं यूज हो जाता है जब मेरा क्या हो हिली एरिया हो और लेवल ट्रैफिक है, लेकिन उसमें उसमें भी कंडीशन क्या है कि स्पीड जो होता है 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वहाँ हम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करेंगे। लेकिन नॉर्मल सर्विस के लिए मेरा जो होता है रियो स्टेटिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग है, मैकेनिकल ब्रेकिंग तब हम लगाते हैं जब मेरा स्पीड क्या हो बहुत कम हो। अब देखिए मैकेनिकल ब्रेकिंग के लिए मेरा जो इक्विपमेंट जो रहता है वो मेरा कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रम ब्रेक रहता है, ठीक है इसको लिए रहता है। अगर हम मैकेनिकली ब्रेकिंग की अगर बात किया जाए, मैकेनिकली ब्रेकिंग अगर हम अच्छा रिटार्डेशन का बात करें, रिटार्डेशन में समझना मंदन, अगर अच्छा रिटार्डेशन का बात किया जाए तो इसमें क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझना इसमें बाइंडिंग कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड रहता है, समझ लीजिए स्प्रिंग से क्या रहता है सस्पेंडेड रहता है, ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है, स्प्रिंग सस्पेंडेड रहता है, और ये जो होता है अपना जो अपना अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें स्प्रिंग सस्पेंडेड है। अब इसमें क्या होगा एक्साइटेड अगर ये होगा ये मेरा तो इसको क्या करेगा, इसके कारण स्प्रिंग क्या करेगा अपना सिकुड़ेगा और नमड़ेगा और उस अनुसार से क्या उसका ब्रेक पर क्या होगा कंट्रोल होगा। अगर हम बात किया जाए कि अगर हम ट्राम वे देखिए अगला टर्म क्या है, ट्राम वे इफ प्रोवाइडेड विथ मैग्नेटिक ब्रेकिंग कैन बी एक्साइटेड बाय द रियो स्टेटिक ब्रेकिंग, कहता है कि अगर हम ट्राम वे मैग्नेटिक ब्रेकिंग अगर हम इम्प्लॉय करते हैं तो रियो स्टेटिक ब्रेकिंग के द्वारा जो करंट उत्पन्न होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको लाते हैं। थैंक यू गाइज, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।